हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक दिव्यांग से जुड़े पैरा एथलीट हमारा गौरव। मुख्यमंत्री, ये कथन है मुख्यमंत्री का। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाले पैरा ओलंपियंस का आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हौसला बढ़ाया। दिसंबर में आयोजित वेदांता जयपुर ऑफ मैराथन के पोस्टर का उन्होंने विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित सादे कार्यक्रम में उन्होंने उन एथलीट्स को किट प्रदान की जो कि वेदांता समूह की केयर्न ऑयल एंड गैस से सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। केयर्न फाउंडेशन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल, कृषि, पशुपालन, बच्चों की भलाई, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल विकास के अलावा परियोजना दिव्यांग के माध्यम से पैरा ओलंपिक खेलों का समर्थन करने की अपनी विभिन्न सामाजिक पहलों के माध्यम से प्रतिबद्ध है। प्रोजेक्ट दिव्यांग के तहत केयर्न फाउंडेशन पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया पीसीआई के माध्यम से 2017 से राजस्थान और गुजरात के होनहार पैरा एथलीटों का सहयोग कर रहा है। जी हां दोस्तों, आपको आगे बताएं, इस प्रोजेक्ट से जुड़े खिलाड़ी पहले ही राज्य और राष्ट्र के लिए कई पदक जीत चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में इस प्रोजेक्ट से जुड़े 12 पैरा एथलीटों को उनके खेल से संबंधित खेल वर्ग में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन खिलाड़ियों को प्रेरित किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर हिंदुस्तान जिंक के मुख्य कार्यकारी अरुण मिश्रा, केयर्न के राजस्थान परियोजना प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर बीएस शेखावत, केयर्न सीएसआर हेड हरमीत सेहरा और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रोजेक्ट के साथ 2017 से जयपुर में केयर्न पिंक सिटी हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इस बार यह आयोजन 18 दिसंबर को किया जा रहा है। श्री गहलोत ने निरोगी राजस्थान की थीम पर प्रकाश डालते हुए वेदांता पिंक सिटी ऑफ मैराथन का पोस्टर विमोचन किया। मैराथन आयोजक के संस्थान एनीबॉडी कैन रन के कार्यकारी मनोज सोनी ने मैराथन के रिलेटेड जानकारी भी दी। इस अवसर पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पैरा ओलंपिक एथलीट देवेंद्र झाझड़िया ने ये कहा, प्रोजेक्ट दिव्यांग सिर्फ एक सीएसआर परियोजना नहीं है बल्कि राजस्थान राज्य में पैरा ओलंपिक आंदोलन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए पीसीआई और केयर्न की संयुक्त पहल है। इस साझेदारी के माध्यम से फिजियोथेरेपी सत्र, प्रशिक्षण, पोषण और उपकरण का सहयोग दिया जा रहा है। इनसे हमें परफॉर्मेंस सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली है। हमने पिछले साल भारत को टोक्यो ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। ये केयर्न द्वारा नियमित रूप से प्राप्त प्रोत्साहन और पीसीआई के साथ और साझेदारी के कारण संभव हुआ है। मेरा विश्वास है कि इस तरह के सहयोग के चलते हम भविष्य में क्षेत्र में और भी बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता रखते हैं। जागरूक टीवी के लिए जयपुर से खास रिपोर्ट।